गाइस गरीना फ्री फायर पागल हो चुका है बिकॉज हमारे गेम के अंदर में M1014 2.0 ला रहा है। ये क्या है? अरे ये वही है अपना इवोल्यूशन M1014 का बड़ा भाई यानी 2.0। हाँ तो देखो गाइस अभी हमारे गेम के अंदर में बहुत सारे ईवो गन आना बाकी है और वैसे भी और 3 ईवो गन पेंडिंग में है जिसके अपना ईवो स्कार, ये नॉर्मल वाला ईवो स्कार नहीं, ईवो स्कार 2.0। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ईवो स्कार 2.0 है ये, बट ये कम्प्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है। और ये 2.0 स्कार OB36 का है बट अभी तक हमारे गेम के अंदर में नहीं आया है और ना ही ये कंप्लीट हुआ है। अगर कंप्लीट हो जाता है ना तो गरीना फ्री फायर इसे गेम के अंदर में ऐड कर देता, बट ये तो कंप्लीट नहीं है, इसके बारे में क्या ही बोले। यही नहीं। और इसके अलावा और एक ईवो गन है, सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सो इस गन का नाम है इवोल्यूशन 8.0। तो ये गन भी काफी अच्छा है और मैं आपको बता दूं ये गन ना OB38 का है, लेकिन गाइस ये गन भी हमारे गेम के अंदर में अभी तक नहीं आया है बिकॉज ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इनकम्प्लीट है। लेकिन गाइस इसके अंदर में आप लोग ना ही एड टू भी देखने मिलेगा, ना ही इसका इमोट्स देखने मिलेगा, मतलब कि ये भी इनकम्प्लीट है। तो क्या पता गरीना फ्री फायर ने इसलिए इसको ऐड नहीं किया है हमारे गेम के अंदर में। तो ये इवो AC80 हमारे गेम के अंदर में बहुत जल्दी आ जाएगा। और इसके अलावा गाइस और एक गन है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सो ये है इवो G18। तो ये गन भी काफी अच्छा है, मतलब की देखो इतना पित्तू सा गन का भी इवो गन आ चुका है। और ये इवो गन आएगा हमारे गेम के अंदर में OB40 के अपडेट के बाद, यानी अभी OB39 का अपडेट आने वाला है, फिर उसके बाद OB40 का अपडेट आएगा, फिर उसके बाद आप लोग को इवो G18 देखने मिल जाएगा। लेकिन गाइस ऐसा भी हो सकता है कि ये गन हमें पहले भी देखने मिल जाए, क्योंकि गाइस आप लोग को पता है कि इवोल्यूशन थम्सन जो आया था तो वो गन था OB39 अपडेट का, बट वो आ चुका है OB38 अपडेट में। तो इसका मतलब समझ सकते हो आप लोग गरीना फ्री फायर कोई भी आइटम को ढंग से नहीं दे रहा है। हाँ ऐसा हो सकता है कि इस अपडेट के बाद गरीना फ्री फायर लाइन में आ जाए और सारे के सारे आइटम को सही तरीके से देना सीख जाए। तो ऐसा अगर होता है ना तो काफी अच्छी बात है। और हाँ गाइस और एक बात मैं आप लोग को बता दूं, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा इवोल्यूशन M1014 2.0 के बारे में। तो देखो OB36 के अंदर में आने वाला था स्कार 2.0, तो वो अभी तक नहीं आया है। और इसके अलावा OB38 के अपडेट में आने वाला था इवोल्यूशन AC80, तो वो भी अभी तक नहीं आया है। फिर इसके बाद OB40 के अंदर में आएगा इवोल्यूशन G18। ओके, लेकिन गाइस अब आती है इवो M1014 2.0। तो देखो ये गन काफी लोगों का फेवरेट हो सकता है बिकॉज अभी जो हमारे गेम के अंदर में M1040 है तो वो भी काफी अच्छा है। और इवोल्यूशन M1014 2.0 की बात करें तो हमारे गेम के अंदर में कब आएगा, तो देखो ये गेम के फाइल के अंदर एड हो चुका है और ये आप लोग को देखने को मिल जाएगा OB41 अपडेट के बाद। लेकिन गाइस ऐसे भी सकते हैं कि अपना इवोल्यूशन M1014 2.0 उससे पहले भी देखने को मिल जाए, जैसे कि अपना OB39 अपडेट के बाद। और वैसे भी OB39 अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर में रमजान इवेंट आने वाला है, तो इस बार का रमजान इवेंट बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। तो क्या पता आप लोग को रमजान स्पेशल इवोल्यूशन M1014 2.0 देखने को मिल जाए, यानी अपना नेक्स्ट इवो गन हो सकता है। अगर ऐसा होता ना तो काफी सही है, नहीं तो इसके अलावा आप लोग को OB39 अपडेट के बाद 2 इवो गन देखने को मिल जाएगा। तो जो भी कुछ मेरे को लिंक्स मिलेगा वो मैं आगे चलकर आप लोगों को बताऊंगा। और इसके अलावा इवोल्यूशन M1014 2.0 के बारे में इतना कुछ पता नहीं चला है, लेकिन गाइस हमारे गेम के फाइल के अंदर ऐड हो चुका है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। और उसका वीडियो भी नहीं मिला है, तो बहुत जल्द उसका वीडियो भी मिल जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा। तो बस गाइस यही सब था इवोल्यूशन M1014 2.0 के बारे में, मैंने आप लोग को अच्छी तरह से बता दिया। और इसके अलावा गाइस आप लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं तो आप लोग से जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।